दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक में है और इनकी आत्मा की शांति की हम दुआ करते हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे पूनम पांडे की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इनका रियल नेम है पूनम पांडे और पूनम प्रोफेशन से एक्ट्रेस थी। इनका जन्म 11 मार्च 1991 को कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ था और इनकी डेथ 1 फरवरी 2024 को हुई है। उस समय इनकी एज 32 ईयर थी और इनका डेथ का कोज था सर्जिकल कैंसर। और दोस्तों, इन्होंने अपने स्कूल एंड कॉलेज की पढ़ाई कानपुर से ही की। दोस्तों, पूनम ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में एज ए मॉडल की और पूनम अपने बोल्ड लुक और कंट्रोवर्सी के कारण सुर्खियों में आई थी और इन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट से। और पूनम के मुताबिक उनके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि वे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। पूनम ने एक बार रिवील किया था जब उन्होंने अपने बारे में ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट की थी कि वर्ल्ड कप में अगर भारत जीता तो वो न्यूड हो जाएंगी। उसके परिवार हैरान था और बाद में वे इसके अव्यस्त हो गए और उसके फैसले को स्वीकार कर लिया। साल 2011 में पूनम ने मोस्ट अवेटेड ग्लैडरिस कैलेंडर के लिए भी फोटोशूट किया और बाद में 2012 में वे किंग फिशर कैलेंडर पर फीचर किया गया। और वहीं 2011 में पूनम रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 में भी एज ए कंटेस्टेंट के रूप में आई थी, जिसके लिए इन्होंने 50 लाख रुपये चार्ज किए। 2013 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया मूवी नशा से। इस मूवी में उन्हें एक्टिंग स्किल के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, भोजपुरी, तेलुगू मूवियों में भी काम किया है। इनकी फर्स्ट डेब्यू कन्नड़ मूवी का नाम है लव इज पॉइजन, जो 2014 में आई थी। इनकी फर्स्ट डेब्यू भोजपुरी मूवी का नाम है अदालत, जो कि 2014 में आई है। और इनकी फर्स्ट डेब्यू तेलुगु मूवी का नाम है मालिनी एंड कंपनी, जो 2015 में आई है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी मूवी में काम किया जिनके नाम है आ गया हीरो, GST, गलती सिर्फ तुम्हारी है, द जर्नी ऑफ कर्मा। साथ ही साथ ये टीवी में भी नजर आई थी। इन्होंने टीवी में 2015 में डेब्यू किया था टोटल नादानियां से। वहीं 2022 में ये लॉकअप के सीजन 1 में भी थी एज ए कंटेस्टेंट। तो हमको कमेंट करके बताना कि पूनम पांडे आपको कैसी लगती थी। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम शोभानाथ पांडे है, इनकी मदर का नाम विद्या पांडे है और एक इनके ब्रदर एक सिस्टर भी हैं। इनके ब्रदर का नाम नीलेश पांडे, इनकी सिस्टर का नाम श्रद्धा पांडे है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं तो ये सेपरेट हो गई है। इनके हस्बैंड का नाम सैम बॉम्बे था, जो प्रोफेशन से डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे। इनकी मैरिज 1 सितंबर 2020 को हुई थी और 2021 में इनका डिवोर्स हो गया था। इनका कहना था कि इनके हस्बैंड इनको मारते पीटते हैं और ऐसे रूमर थे कि DIG परासकर इनको डेट कर रहे हैं। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर थी। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती थी। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार थी BMW 5 सीरीज, सेकंड कार थी मर्सिडीज बेंज E200 थी। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 52 करोड़ रुपये थी। तो ये थी पूनम पांडे की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।